पता है मुझे आप टाइटल और थंबनेल देख के आए हो, ठीक है, लेकिन अगर पूरी वीडियो देखनी है ना तो ये अपना 5 से 6 मिनट इस वीडियो में इन्वेस्ट करना, बाकी यार वीडियो को छोड़ कर जा सकते हो। मेरे को ऐसे ऑडियंस नहीं चाहिए जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करे मेरे चैनल पे, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखनी है तो ही रहे, वरना जा सकते हो यहीं से वीडियो को छोड़ दो, ठीक है। वाई रॉन्ग कंटेंट ग्रोइंग फास्ट? भाई गलत कंटेंट को इतना ज़्यादा बूस्ट कहाँ से मिल रहा है? नो आइडिया कहाँ से मिल रहा है, लेकिन प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा और एक फेमस यूट्यूबर के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पर जो सही क्रिएटर, जो राइट, जो मेहनत करता है यार, जो हमारे जैसे, जो मैं आप स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि भाई क्यों यूट्यूब की एल्गोरिज्म ऐसी है कि यहाँ पर गलत कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, और जो कोई भी या मीनिंगलेस कंटेंट है उसको क्यों यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, विथ प्रूफ आपको बताऊंगा, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे जो फ़ोन का माइक है वो वाला, मैं ईयरफोन या फिर माइक नहीं लगा रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक क्लिप देखो अक्ष दूसरा की, ठीक है, आप वो क्लिप देखो और फिर उसके बाद में आपको मिलता आई है। अप्रिशिएट इट। नंबर टू, एल्ग्रो की ग्रोथ हैज बीन गुड। 2 महीने में 70,000 आसान नहीं होता है। नंबर थ्री, नो बुलशिट, फैक्ट्स के बारे में बात करता है एंड डिलीवर्स स्ट्रेट टू द पॉइंट। बट अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट पे आई विल से दैट व्हाई एल्ग्रो शुड नॉट बी ऑन यूट्यूब इज बिकॉज ऑफ यू गाइज। मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा जो वीडियोज पे प्यार फैलाते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं। आई एम टॉकिंग टू एवरी वन आउट देयर हु वॉचिज कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब, यूट्यूब ग्रोथ विच इज़ मीनिंगलेस। आप लोग जिन्होंने उन क्रिएटर्स को इतना बड़ा बनाया है जो आज के टाइम पर आपको ही झूठ बोल रहे हैं, आप ही के पैसे लूट रहे हैं, आप ही ने उनको उन नंबर से पहुंचाया है जहां पे आपने उनको अपना भगवान मान लिया है, जिनकी 10 वीडियोज में से सिर्फ एक वीडियो में सही बात होती है। इट्स ऑल ऑफ यू। जो भी पूछता है कि मेरा चैनल बड़ा क्यों नहीं है, एल्ग्रो का चैनल बड़ा क्यों नहीं है, अक्ष वर्मा का चैनल बड़ा क्यों नहीं है, एंड वाई दोज क्रिएटर्स आर सिटिंग एट 1 मिलियन, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब काम गलत किए हैं, बट इतने गलत काम करके भी उनके पास आपका सपोर्ट है एंड यू आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग देम, दे आर कंटिन्यूसली लाइंग टू यू, गलत कॉन्टेंट बना रहे हैं, इररेलीवेंट कॉन्टेंट बना रहे हैं और आप देखे जा रहे हो। तो स्टेइंग इन दिस फील्ड, ऑल आई कैन से इज एल्ग्रो इज नॉट इवन नियर द व्यूज और द सब्सक्राइबर्स दैट ही डिजर्व्स, एंड शायद शायद अनफॉर्चुनेटली वो कभी उस लेवल पे पहुंचे भी ना। आई होप ही डज, आई रियली रियली होप ही डज। बट अगर इस क्वालिटी का कंटेंट बना के इसका कंपटीशन वो क्रिएटर्स हैं जो मिलियंस पे बैठे हैं और आपको पता है क्या कर रहे हैं, देन एल्ग्रो भाई एज अ ब्रदर डोंट बी ऑन यूट्यूब। बट भाई मेरा फुल सपोर्ट है टू यू एंड वेरी सून मे बी यू हैव मोर सब्सक्राइबर्स देन मी, एंड सम पीपल से कि ये सब्सक्राइबर्स या व्यूज लेने का तरीका है, बट एट द सेम टाइम मेरी काफ़ी ऑडियंस डजेंट नो अबाउट यू। एंड मेरा इस चैनल का पर्पस वॉज नॉट टू बिकम द बिगेस्ट यूट्यूब ज्ञान का सेंटर, ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लेकिन एक चीज नोटिस करी, वहां पर एल्ग्रो और जो अक्ष दूसरा है उस दोनों के दोनों सब्सक्राइबर काउंट यहाँ पर देख सकते हो, मैं लाइव आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का जो रिसेंट है, यहाँ पर जो अभी का है लाइव वो आपको दिखा रहा हूँ, और फ्यूचर में हो सकता है यहाँ पर एल्ग्रो आगे भी निकल जाए। और भाई इस नंबर को देख के ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो आदमी यहाँ पर 3 साल से ग्रो करने की कोशिश कर रहा है उसका नहीं हुआ, और ये 3 महीने में भाई इतना ज़्यादा ग्रो क्यों हो गया। आई नो डाउट भाई एल्ग्रो एक नंबर की वीडियो बनाता है, एकदम सही वीडियो बनाता है, आसानी से समझाता है। मैं पर्सनली सारी वीडियो उसको देख चुका हूँ एल्ग्रो की, और उसी के थ्रू मुझे यहाँ पर बहुत सारे व्यूज़ अप मिले हैं। जहाँ पे मेरे व्यूज़ 9-10 होते थे वहाँ पे यहाँ पर 30, 40 और 50 क्रॉस कर रहे हैं। इतने व्यूज़ अभी के लिए बहुत ज़्यादा है यार मेरे लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो एक और मैं आपको दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर लाइन कर रहा है हमारी कैटेगरी में, ठीक है। तो आपको उसका प्रूफ दिखाता हूँ कि वो कैसे यार आपको झूठ बोल रहा है, गलत कंटेंट के थ्रू वो इतना ज्यादा तो गाइस प्रमोट यहाँ हुआ पर है। एक चैनल है, मैं चैनल का नाम आपको नहीं दिखाने वाला, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इसके वीडियोस है वही दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो कि जो इसके लेटेस्ट वीडियो है उनमें कितना है, और जो इसके पुराने वीडियोस पॉपुलर वीडियो मैंने खोल करके, ठीक है, इसके पॉपुलर वीडियो जितने भी है ना सबके सब 100% सबके सब फेक है भाई। यहाँ पर देख सकते हो जियो एपीएन सेटिंग, एयरटेल एपीएन, सबके सब फेक है, फिर भी इनमें 50 से 60 के व्यूज़ है। इसके सब्सक्राइबर की बात करूँ तो इसका तकरीबन 19,000 सब्सक्राइबर्स है। मैं आपको नहीं दिखाने वाला चैनल, सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि वीडियोस कौन कौन सी इसकी चल रही है। तो ये वाली वीडियो मैं ओपन करने वाला हूँ, एयरटेल 10 GB फ्री डेटा, ठीक है, तो ये वाली वीडियो मैंने ओपन करके रखी है। और कमेंट में देखो भाई, एसके गेमिंग कुछ दिख रहा है, एसके गेमिंग करके, तो यहाँ पर
ये बंदा खुद का है उसका, और नहीं हो रहा वो बोल रहा है फिर भी उसको ही लाइक दिया जा रहा है, क्योंकि उसके कमेंट ऊपर आ रहा है भाई। नॉट वर्किंग देख सकते हो, परफेक्ट फ्रेंड्स नॉट वर्किंग भाई, फिर भी लाइक किया हुआ है लोगों ने। नॉट वर्किंग, एयरटेल फ्री डेटा, एयरटेल फ्री डेटा, फ्री डेटा भाई, नहीं हो रहा, एक भी काम नहीं कर रहा भाई। कमेंट में इतना है, इसका हेट इतना मिला है, फिर भी भाई ये गलत कंटेंट डाल रहा है, पता नहीं क्यों। इसके लाइक डिसलाइक मैं नहीं दिखाने वाला, क्योंकि चैनल का नाम रिवील हो जाएगा, ठीक है। तो भाई गलत कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो करो भाई, आप ही का नुकसान है यहाँ पर। अगर सही जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो इस वाले, और कमेंट करो कि भाई तू बना दे कुछ, इसको नहीं आता था तो मैं बना दूंगा आपको, यानी कि आपको सिखा दूंगा कि भाई कैसे स्पीड अप होती है लीगली रियल, और ऐसे फेक एपीएन से कुछ भी नहीं होता भाई, ठीक है। हाँ माना कि अगर आपके एरिया में अच्छा नेटवर्क नहीं है, आप कंपनी से बात करके नया एपीएन लेते हो तो शायद से स्पीड अप हो जाए, और अगर आप जो आपकी लोकेशन है वो चेंज करते हो, आप घर के अंदर हो घर के बाहर जाकर यूज़ करते हो, तो इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना कि 100 Mbps तक टच करने वाली है, वो सिर्फ भाई वाईफाई में होता है। मैंने जितने भी वीडियोस देखे उसमें एक भी वीडियोस में यहाँ पर पुश नहीं हुआ 100 Mbps जियो में, ठीक है। जो भी हुआ है वाईफाई के थ्रू, या फिर जो जिस एरिया में नेटवर्क कवरेज ज़्यादा है उस एरिया में हुआ, ठीक है। तो भाई फेक कंटेंट से बच के रहो, पहले ही बता रहा हूँ, और प्रमोट करो भाई रियल क्रिएटर को हमारे जैसे। एक्सपोज करने में भाई कुछ नहीं जाने वाला, कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी भाई फिर से यार, वीडियोस पे वीडियोस आएंगे, कंट्रोवर्सी आपको पसंद है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता भाई। क्यों नहीं करना चाहता? आगे जाके वो कंट्रोवर्शियल ऑडियंस इकट्ठी करना भाई मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि कंट्रोवर्सी वीडियोस फिर बनानी पड़ेगी सबके ऊपर, तो वो हेट फैलेगा और डिस्ट्रैक्शन होगा सबको। तो इसीलिए यार हेट मत फैलाओ, रियल क्रिएटर को प्रमोट करो, और हो सके उतना दूर रहो इनसे जो फेक कंटेंट बना रहे, ठीक है।